क्या आपने कभी किसी ऐसे ब्रिज के बारे में सुना है जिसके ऊपर जाने से लड़कियां सबसे ज्यादा डरती है? और क्या आपने कभी ऐसे रास्तों के बारे में सुना है जो पहाड़ों पर जमीन से 7000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इस रास्ते पर लोग चल के भी जाते हैं? दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक हैकिंग ट्रेल्स के बारे में बताएंगे जिसमें है अल्पेट्री ब्रिज। दुनिया में आपने बहुत से ब्रिज देखे होंगे जिन पर लोग चलकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हैं। यूक्रेन में बना एक केबल ब्रिज जो इस माउंटेन को दूसरे माउंटेन से जोड़ता है, जिसे केबल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बनाया गया था। लेकिन अब ये ब्रिज इतना खतरनाक है कि इस पर चलना तो दूर, इसे देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं और वो इस ब्रिज की ऊंचाई से इतना डर जाते हैं कि वो इस पर चलने की कोशिश तक नहीं करते। ये ब्रिज इतना खतरनाक है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको सीधे मौत के पास ले जाकर खड़ी कर देगी। इस ब्रिज पर चलते हुए इतना डर नहीं लगता जितना इस ब्रिज की गहरी खाई को देखकर, क्योंकि ये खाई तकरीबन 4000 फीट से भी ज्यादा गहरी है। नेक्स्ट इज माउंटेन टॉर्क सबाह, मलेशिया। ये एक डेंजरस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ का नजारा देखने के लिए विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, पर यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जो कि बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये रास्ते पहाड़ की चोटी तक जाते हैं। हालांकि इस रास्ते पर सेफ्टी केबल लगाया गया है जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर या नीचे जा सकते हैं, लेकिन जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसके लिए ये केबल भी कोई सेफ्टी का काम नहीं करेगी। एंजल्स लैंडिंग, दुनिया के सबसे डेडेस्ट प्लेसेस में से एक मानी जाने वाली ये सीढ़ियां, पियूता माउंटेन पर बनी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां, दुनिया का सबसे खतरनाक हाइकिंग ट्रेल्स में से एक है, क्योंकि ये रास्ता ऐसी खतरनाक जगहों पर बना हुआ है जिसके दोनों साइड में गहरी खाई है। लेकिन सेफ्टी के लिए एक साइड में लोहे की चैन को लगाया गया है, अगर आप यहां से जरा सा भी फिसले तो आप एक बहुत ही गहरी खाई में जा गिरेंगे, जहां से आपके बचने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इस गहरी खाई में सिर्फ पत्थर ही पड़ रहे हैं। इससे गिरने के बाद शायद ही कोई बच पाएगा। जमीन से 1400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये जगह को 1926 में बनाया गया और उस टाइम पर लोग इन खतरनाक सीढ़ियों का यूज करके ऊपर जाते थे। इसके साइड में सपोर्ट के लिए जिस चैन को लगाया गया है, कुछ साल पहले यहाँ पर वो भी चैन नहीं लगी थी, जिससे यहाँ पर लोग बिना किसी सपोर्ट के इस पर चढ़ते जाते हैं और इसी वजह से यहाँ से फिसलने से कई लोगों की जाने भी जा चुकी है। पू माना माना ट्रेल, अपनी खूबसूरत पहाड़ी और वॉल्केनिक इप्शन के लिए जाना जाने वाला अमेरिका का हुवेई शहर में मौजूद ये खतरनाक ट्रैक पहाड़ों के ऊपर मौजूद है और इसके दोनों तरफ गहरी खाई है। अभी तक आपने जितने डेंजरस प्लेसेस के बारे में सुना है तो वहाँ पर सपोर्ट के लिए केबल या चेन लगी हुई है, लेकिन इस जगह पर सेफ्टी के लिए किसी भी चेन या केबल को नहीं लगाया गया है, तो आप खुद समझ सकते हैं ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर आपका जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आप नीचे 2000 फीट की खाई में जा करेंगे, जहाँ गिरने के बाद आपका बचना तो मुश्किल ही है और कई दिनों तक डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये हुवेई की सबसे डेंजरस हाइकिंग ट्रैक में से एक है, अचूली विलेज। दोस्तों, आपने पहाड़ी गांव तो देखे ही होंगे जिसकी खूबसूरती किसी के भी मन को छू जाती है, लेकिन चाइना में बसा अटोली विलेज दुनिया के सबसे यूनिक विलेज में से एक है, क्योंकि ये जमीन से 2625 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और ये गांव यहां पर कोई एक दो साल से बसा हुआ नहीं है। ये गांव पिछले 200 साल से मौजूद है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गांव में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि स्टील के पाइप से बना है। जी हाँ दोस्तों, इस गांव तक पहुंचने के लिए या ऊपर जाने के लिए लोग हर रोज पाइप की बनी इस सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले 2016 में यहाँ के लोग बांस की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते थे, लेकिन 2016 में एक चाइनीज फोटोग्राफर ने इस रास्ते पर चलते हुए छोटे छोटे बच्चों की वीडियो बनाई जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसके बाद वहाँ की सरकार ने यहाँ पर स्टील की सीढ़ियाँ लगवा दी, लेकिन आज भी ये रास्ता कम खतरनाक नहीं है। आज भी बच्चे इस रास्ते से डेली स्कूल आते जाते हैं। मुसो सूरीबाशी, जापान का सबसे पुराना और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। इसे 1950 में बनाया गया। जापान में मौजूद ये ब्रिज एक झील के ऊपर से होकर गुजरता है। क्या झील से बहुत ही ऊंचाई पर दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है? और इसका इस्तेमाल यहाँ के लोकल लोग इस झील को पार करने के लिए क्या करते हैं? इसकी चौड़ाई तो काफी ज्यादा है, लेकिन इस पर चलने के लिए लकड़ी की एक पतली सी जगह भी बनाई गई है। जब उस ब्रिज पर कोई नहीं चलता तो ये ब्रिज तेजी से हिलता भी है, और अगर 10 से 12 लोग इस ब्रिज पर एक साथ चढ़ जाएं तो ये ब्रिज टूट भी सकता है। हैंगिंग ब्रिज, फन के लिए चाइना में बनाया गया ये ब्रिज, जहां पर हजारों और लाखों की संख्या में लोग मजे करने आते हैं, लेकिन ये ब्रिज देखने में एडवेंचरस लग रहा है। ये ब्रिज उतना ही खतरनाक है। अगर आप इस ब्रिज से गलती से नीचे गिर जाते हैं तो आप एक गहरी नीची खाई में गिर जाएंगे। हालांकि जो इस ब्रिज पर जाता है उसे पूरी सेफ्टी के साथ भेजा जाता है, लेकिन अगर सेफ्टी
सेफ्टी ग्रिप अच्छे से ना लग पाए तो इस पर चलने वाला व्यक्ति नीचे भी गिर सकता है। ऐसा ही एक केस 2019 में सामने आया जब एक व्यक्ति इस ब्रिज पर से दौड़कर इसे पार कर रहा था। जैसे ही वो इस ब्रिज को पार करता है तुरंत ही उसकी सेफ्टी ग्रिप निकल जाती है। ये व्यक्ति लकी था इसीलिए बच गया। कलावती दुर्ग। तो दोस्तों अब बारी है एक ऐसे खतरनाक हाइकिंग ट्रैक के बारे में जो इंडिया में है। इस दुर्ग पर चलने के लिए सिर्फ पत्थर की खड़ी सीढ़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस दुर्ग पर जाने के लिए आपको दुनिया के सबसे खतरनाक सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है और बारिश के समय इन सीढ़ियों पर पानी और गीली मिट्टी हो जाने की वजह से ये सीढ़ियां और भी ज्यादा चिकनी हो जाती है, जिसे यहां पर किसी भी व्यक्ति के फिसलने के चांस और भी अधिक बढ़ जाते हैं। और इस दुर्ग पर चढ़ते समय कई सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं क्योंकि इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट को नहीं लगाया गया है। बस आप पहाड़ को पकड़कर ही ऊपर चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप हाइकिंग के ट्रेल्स। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।